अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज बैच 6 की। इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, ड्यू डेट भी आपके सामने है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपकी ये फाइल जो है एमएस वर्ड पर प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर आपके पास एमएस वर्ड नहीं है क्योंकि वो पेड हो चुका है, तो आप जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वाली डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट की जितनी भी एप्लीकेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल ऑफिस यूज़ कर सकते हैं, आप WPS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके वैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट कराई तो वो आपकी फाइल सबमिट नहीं होगी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आपने किसी भी जगह से, किसी भी स्टूडेंट से कॉपी नहीं करना, किसी भी वेबसाइट से नहीं लेनी, आपने खुद क्रिएट करनी है। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से Helium 10 जो है वो यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है VSR की, और एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से आपको किस तरह से ढूंढी जाती है और उसकी ढूंढने की टेक्निक्स क्या है, ठीक है, ताकि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जाए, ठीक है, लॉस में ना जाए। इसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें आप जो हैं वो नए सेलर हैं अमेजोन के ऊपर, और आपको जो है वो एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बाय यूजिंग द Helium 10 फीचर वो आपको ढूंढनी है, ठीक है। Helium 10 का यूज़ करते हुए उसके ऊपर जो भी आपका रिसर्च करनी है, एक्सरे करनी है वगैरह वगैरह, सारा कुछ आपने Helium 10 के ऊपर करना है। और आपके पास है 3 टास्क। पहले टास्क में आपने क्या करना है जी, अमेजोन के ऊपर बाई यूजिंग योर आपने जो नीड जो है वो सेलेक्ट की होगी। फॉर एग्जांपल आपने जूते सेलेक्ट किए हैं, कपड़े या बैग या लैपटॉप्स या मोबाइल्स जो भी आपने चूज़ किया है वो आपकी नीड कहलाती है। वही आपने कीवर्ड जो है वो अमेजोन के ऊपर लिखना और अपनी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करनी है। उसके बाद आपने Helium 10 का जो फीचर है ना वो यूज़ करना है और अपनी प्रोडक्ट का जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि उसका प्रॉफिट का क्या रेंज है। उसके बाद आपने ये सारे काम जो है वो आपको साथ साथ बताएंगे किस तरह से करना है, क्योंकि अगर मैंने आपको स्टार्ट पे बता दिया तो फिर आपको जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। सेकेंड में आपने बताना है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है BSR का, और किस तरह से जो BSR है वो इंडिकेट करता है एक गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू सेलर ऑन Amazon, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपने समराइज करना और जस्टिफाई करना है कि जो भी प्रोडक्ट आपने चूज की है उसका क्या प्रॉफिटेबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की, वो आपको किस तरह से हेल्प आउट करेगा, उस प्रोडक्ट की आपने जस्टिफिकेशन देनी है विद इन 3 or 4 स्पेसिफिक रीजंस के अंदर, ठीक है। ये आपका जो था वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद जी आ जाता है कि आपने एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व सॉरी सबमिट करानी है। मेक श्योर कि आपका जो फाइल का जो फॉर्मेट होगा वो डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप चैनल पे नहीं हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन अपनी एक्सरसाइज जो है वो यानी कि सोल्यूशन फाइल जो है वो किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि आपको भी फायदा नहीं होता और दूसरे को भी फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको भी 0 मार्क्स मिलेगा, उसको भी 0 मार्क्स मिलेगा, सर्टिफिकेशन में इशू आएगा। तो बेहतर है ये आप ना करें, खुद एक्सरसाइज अपनी जो है वो कंप्लीट करें। और ये उन्होंने कहा हुआ नोट कि आपने Helium 10 का जो है वो ट्रायल वर्जन यूज़ करना है, पेड वर्जन यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप पेड वर्जन यूज़ करेंगे तो आपको वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और आसानी से नहीं मिलते, ठीक है। और आप वो जो है वो एट द बेसिक अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए तो आपके पास पैसे आने लग जाए, फिर आप जो है वो इसका पेड वर्जन यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये बताया हुआ और इम्पोर्टेंट मैसेज, इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जैसे आपको पता है डिजी स्किल्स जो है वो यूज़ होता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, या आपने एट द बिगनिंग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो ओवर ऑल द वर्ल्ड आपने जो कोर्सेज हैं जिसके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो चलते हैं, जिनकी डिमांड है वो है जी गूगल है, कोर्सेरा है, यूडेमी है, इन सारी चीज़ें हैं, अमेजोन के डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा जी गूगल साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। वो आपने किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट करना है और उसका सर्टिफिकेट किस तरह से लेना है, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन उसकी फ्री नहीं है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। और यहाँ पे जी फर्स्ट टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल आपने अपने आ जाना है वहाँ पे Amazon सॉरी ब्राउज़र के अंदर, वहाँ पे आपने सर्च बार में लिख देना जी Amazon.com, ठीक है जी। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना ये उनके लिए है अगर आपने शॉपिंग करनी हो, ठीक है। इसको एक दफ़ा हम रिफ्रेश करेंगे, अगर आपके सामने भी इस तरह से आए कोड लिखें, कंटिन्यू शॉपिंग के ऊपर क्लिक करें, लेकिन आपके सामने जो है वो इस तरह से नज़र आएगा, आपके सामने कोई भी डिलीवर्ड प्लेसेस और ये जगह वगैरह नहीं नज़र आएगी। तो आप क्या करेंगे, ऊपर आपको एक दफ़ा Ctrl+R प्रेस कर लें तो आपके सामने रिफ्रेश आ जाएगा और यहाँ पे आपको Amazon के साथ नज़र आ रहा है डिलीवर्ड टू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन चेंज
करेंगे एंड देन इसका फर्दर जो है वो काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल जिप कोड लिखना है 1001, दिस इज़ द जिप कोड ऑफ न्यूयॉर्क, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का ही है। ठीक है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर आती है। उसके बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो डिलीवर एरिया है वो चेंज हो जाएगा यूएस के अंदर, यानी कि न्यूयॉर्क का ये हमने यूज़ किया था, तो यूनाइटेड स्टेट का आपके सामने सिंपल आ जाएगा। देखें ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है डिलीवर टू न्यूयॉर्क 1001। उसके बाद आपने यहाँ से, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करनी है एज न्यू सेलर, तो आप यहाँ से जो है वो आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने हैरी हॉट प्रोडक्ट्स हैं, वो थी स्पीकर्स वगैरह थे, लैपटॉप्स थे, गेमिंग लैपटॉप्स थे। उसके बाद आपके सामने अमेजोन डिवाइस आ जाती हैं, उसके बाद आपके पास किचन का जो है वो एक्सेसरीज आ जाती हैं, उसके बाद आपके सामने जो है वो टैबलेट्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके सामने आ जाते हैं जी स्ट्रेटनर आ जाते हैं, जैकेट्स आ जाती हैं, उसके बाद ये है जी ये शॉवर वगैरह आ जाते हैं, किचन के नाइफ सेट आ जाता है। ठीक है, आप इन तमाम प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम चूज़ कर लेते हैं, लेकिन शूज़ का जो ज़्यादातर बाय बॉक्स है ना वो हमें मिलेगा अमेज़ोन का, लेकिन हमने वो जो है वो अगर आप प्राइवेट लेबल के थ्रू भी काम करें, सॉरी प्राइवेट लेबल का तो अपना ही होता है, तो अगर आपने किसी और की लिस्टिंग पर जाकर भी काम करना हो तो हमें जो है वो वाला बाय बॉक्स चाहिए जिसका उसके अपने पास हो। ठीक है, अमेज़न के पास ना हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ले लेते हैं जी गेमिंग हेडसेट्स ले लेते हैं। ठीक है, आप पीसीज भी ले सकते हैं, लैपटॉप्स भी ले सकते हैं, गेमिंग चेयर्स जो हैं वो काफ़ी इन हैं, गेमिंग चेयर्स भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे टॉप रिजल्ट आपके पास ये आता है गेमिंग चेयर। ठीक है, ये थ्रू आउट द ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और क्योंकि गेमिंग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इसके मैचेस भी होते हैं अगर आपने देखे हों, तो हम गेमिंग चेयर भी ले सकते हैं, लेकिन एट दैट टाइम हम गेमिंग हेडसेट जो है वो चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपकी लिए बता रही हूँ कि गेमिंग चेयर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जब इस तरह से लिख लेना और इसको आपने करना स्क्रीन को थोड़ा सा मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद आपने इसका ले लेना एक स्क्रीन शॉट। ठीक है, साइड पे अगर आप देखें डिपार्टमेंट्स में, तो यहाँ पे आपको बड़ी ज़्यादा और प्रोडक्ट्स जो हैं कीवर्ड्स एज ए कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर हेडसेट्स हैं, एक्सबॉक्स सीरीज एंड एस एक्सेसरीज हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। पीसी गेम हेडसेट्स हैं, प्ले स्टेशन हेडसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका आपने सबसे पहले इसको हाईलाइट कर देना कि आपका क्या कीवर्ड था। हमारा कीवर्ड था जी गेमिंग हेडसेट्स। उसके बाद आपने डिलीवर टू इसके लोकेशन जो थी वो हाईलाइट करनी है, कर दे नहीं करनी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टास्क के अंदर इसको करा दिया पेस्ट। उसके बाद डिफ्रेंशिएट हो जाए ये प्रोडक्ट, यानी कि स्क्रीनशॉट, इसके लिए हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इसका इफेक्ट। ठीक है, पिक्चर का थोड़े से डिफ्रेंशिएशन के लिए। उसके बाद ये आ जाती है हमारी सेकंड टास्क, और सेकंड टास्क हमारा ये है कि आपने क्या करना है, यूज़ हीलियम 10 एक्सरे फीचर्स। आपने हीलियम 10 का एक्सरे फीचर जो है वो यूज़ करना है, और उससे क्या काम करना है कि सबसे पहले आपने रन द हीलियम 10 एक्सरे एंड यूज़ द प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, सेलेक्ट एटलीस्ट वन कंप्यूटर आउट ऑफ द टॉप 10। आपने जो भी आपका कीवर्ड था उसका जो भी रिजल्ट था उस पर आपने हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है वो रन करनी है, और उसके बाद एक कंप्यूटर टॉप 10 में से आपने चूज़ करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरत है जी हीलियम 10 की एक्सटेंशन की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पे जाएंगे ना, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली जो है वो साइन अप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, हमें चाहिए एक्सटेंशन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो आपको कुछ लोगों को नहीं भी करनी आती कि इस तरह नेक्स्ट 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 किस तरह से करें, तो उसके लिए बता रही हूँ कि आप जो है वो ऊपर सर्च बार में सिंपल लिखें हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, तो आपके सामने जो है उसकी एक्सटेंशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ भी रही सजेशन में क्रोम एक्सटेंशन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे गूगल नज़र आ रहा है ना, उसके नीचे लिखा हुआ हीलियम 10, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है जी गूगल क्रोम की एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक कर देना जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, हीलियम 10 के बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है ऐड टू क्रोम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऐड एक्सटेंशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो आपकी जो एक्सटेंशन है वो क्रोम के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ऐड हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट काम जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी ये एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमें इसको यूज़ करने के लिए साइन अप करने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो साइन अप आपने किस तरह से करना है, यहाँ पे सिंपल आपने फर्स्ट नेम बताना है, देन ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे इसलिए एक्सटेंशन के तौर पे हमें यह वाला फीचर आया, अगर हम दूसरी तरह साइन अप कर रहे होते इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके विदाउट एक्सटेंशन ही, तो आपको बड़े ज़्यादा लंबे प्रोसीजर्स से वो फॉलो करने होने थे, लेकिन वो फिर आपसे होने नहीं थे, इसलिए आपको जो है वो ईजी मैथड बता रही हूँ। यहाँ पर आपने ईमेल यूज़ करनी है, वो वाली ईमेल अगर आपने पहले से यूज़ नहीं किया हुआ ना, अगर आपने हीलियम 10 पहले से नहीं करके रखा हो अपने पास, उसकी वेबसाइट नहीं है आपके पास, देन आपने जो है वो वही यूज़ करना है, नहीं तो आपने न्यू बनाना है, ठीक है। तो आई एग्री विद पॉलिसीज, प्राइवेसी पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। सॉरी, एक मिस्टेक आपको बता दिए, अगर आपके पास पहले से हीलियम का हीलियम 10 फीचर है तो आपने जो है वो डायरेक्टली उसको लॉग इन करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने साइन अप करना है, ठीक है। और वो वाली अगर आप दोबारा से भी साइन अप कर रहे हैं तो आपने वो वाली ईमेल देनी है जो पहले से आपने यूज़ ना की हो, ठीक है, हीलियम 10 पे यूज़ ना की हो। मुझे लगता है मैंने ये पहले यूज़ की हुई है, लेकिन इसलिए ये जो है वो हम बाद में एरर भी देगा, तो हमें जो है वो अपनी ईमेल जो है वो चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे राइट साइड पे नज़र आ रहा है जहाँ पे जी लिखा होगा डाउनलोड का, और साथ में एक पजल साइन है। जब आप पजल साइन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप जो अपनी एक्सटेंशन हैं वो पिन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे नज़र आ रही है हीलियम 10, साथ सामने जो है एक पिन का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपकी जो हीलियम 10 की एक्सटेंशन है वो यहाँ पिन हो जाएगी। जैसे ही आप amazon.com के ऊपर या amazon.uk के ऊपर या जिसके भी ऊपर जाएंगे, तो आपकी जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो हीलियम 10 की एक्सटेंशन है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये होता है इसका पिन करने का पर्पस। और यहाँ पे जी हमारा साइन अप हो रहा है, लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं जी आपका थोड़ा सा एरर है, क्योंकि हमने ईमेल जो थी वो पहले से यूज़ की हुई थी, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से क्रोम टैब के ऊपर यूज़ की थी, तो हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। आपने भी जो है वो अपनी न्यू यानी कि अगर आपने पहले से यूज़ नहीं ना की हुई तो फिर आपने वो वाली यूज़ करनी है, और अगर आपने पहले से यूज़ की है और वही आप दोबारा से ईमेल रखेंगे तो फिर आपका एरर आएगा, ठीक है। उन लोगों को बता रही हूँ जिनको नहीं पता। तो यहाँ से जो है वो हम जल्दी से इसको चेंज कर लेते हैं। और पासवर्ड आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, विद द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स, अपर और लोअर लेटर और सिंबल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक। और जी साइन अप के ऊपर अब हम क्लिक कर देते हैं और हमारा जो है वो इसका हीलियम 10 का जो साइन इन है अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि आपने जो है वो क्यों कर रहे हैं, आपकी इस टाइम की पोजीशन क्या है, आपको हीलियम 10 जो है वो क्यों चाहिए। आप या तो अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, या आपने कोई काम नहीं किया, या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी को जो है वो प्रोडक्ट हंट करके दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछेंगे। तो ये आपने क्या बतानी है, ये नहीं करना कि आपने जो है वो ये बता देना कि हाँ जी हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उस ऑप्शन को इनेबल करेंगे कि हम जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम आ जाते हैं दोबारा हीलियम 10 के ऊपर। यहाँ पे अभी जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का आपको टैब नज़र आ रहा था, यहाँ पे आपको जो है वो कीवर्ड सर्चिंग में हेल्प होगी। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है हाउ वुड यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आप सेलर हैं, आप ब्रांड के साथ काम करते हैं, आप किसी एजेंसी के साथ काम करते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप एग्रीगेटर हैं, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्योंकि कोई काम नहीं करते हम, तो आई हैव नॉट स्टार्टेड सेलिंग ऑन अमेज़न येट, के ऊपर आप क्लिक कर दें। अगर आप चाहें तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, आई करेंटली सेल ऑन अमेज़न, लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है, तो फिर आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है वो आई हैव नॉट स्टार्टेड सेलिंग ऑन अमेज़न येट के ऊपर जो है वो इनेबल किया है, एंड नॉट राइट नाउ, जैसे कि आपके सामने ये जो है वो ऑप्शन आए तो आपने नॉट राइट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन गो टू माय डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इसका हीलियम 10 का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने इनेबल करनी है, तो यहाँ पे आप कर दें नो मे बी लेटर, तो बाद में आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ही आ गया, यहाँ पे आप सेरिब्रो और एक्सरे और जो भी है फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट और इसको अपने सेकेंड टास्क के अंदर प्लेस करा देना, ठीक है, इस तरह से।
और प्लेस कराने के बाद जी आपने दोबारा आ जाना उसी जगह पे, और अब हम चले जाएंगे अमेजोन डॉट कॉम के ऊपर। अकाउंट जो था वो हमारा क्रिएट हो गया था, ठीक है, Helium 10 का। तो हम चले जाते हैं जी अमेजोन डॉट कॉम के ऊपर, और वहाँ पे हम जो है अपनी Helium 10 की एक्सटेंशन जो है वो रन कर लेते हैं। ऊपर आपको नज़र आ रहा है टॉप पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ रहा है एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, किसी और के ऊपर क्लिक नहीं करना है, एक्सरे कीवर्ड्स के ऊपर या इसी के ऊपर नहीं जाना। सबसे टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है ना उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। और इसके तरह से आपके सामने ये जो डाटा है वो लोड होके आ जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या करना है जी, आपने जैसे ही आपके सामने डाटा लोड होके आ जाए आपने यहाँ पे लेना है एक स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड कर देना है अपनी सेकंड टास्क के अंदर सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ना एक मिनट लेता है ये डाटा सर्च करने में, तो इतना परेशान नहीं होना कि हमारा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो जल्दी से हो जाता है, विद इन 1 मिनट हो जाता है ये। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने जो है वो एक्सरे रिपोर्ट आ गई है, इसका सर्च वॉल्यूम आपको इसका नज़र आ रहा है गेमिंग हेडसेट का, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू है, ये लॉक है, ये फीचर जो था वो आपको अगर आपने खरीदी होगी आप इसका पेड वर्जन यूज़ कर रहे होंगे देन आपके सामने जो है वो नज़र आएगी। उसके बाद आपके पास एवरेज प्राइस आ रही है, एवरेज BSR आ रहा है एंड एवरेज रिव्यूज़ आए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इस चीज़ का जब आपके सामने एक्सरे रिपोर्ट आई है Helium 10 की, इसका आपने लेना है स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड कर देना आपने सेकेंड टास्क के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है ये आपको इसके बाद बताते हैं। बेहतर है आप एक्सरसाइज जो है वो साथ साथ ही सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप बाद में सॉल्व करेंगे ना तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके रह जाते हैं, कुछ स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो आपके रह जाते हैं। तो आपने स्क्रीन शॉट इस तरह लेने हैं कि वो रीडेबल हों, क्लियर हों, ठीक है, जैसे मैं ले रही हूँ। अब हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट पे SP, SP का मतलब होता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। इस चीज़ को आपने सबसे पहले सेलेक्ट करके इसको डिलीट करना है, ठीक है, और देन आपने टॉप 10 जो है वो चूज़ करनी है और उसमें से हम एक कंपटीटर जो है वो चूज़ करेंगे। यहाँ से सबसे पहले जी हमने इस चीज़ को सेलेक्ट करके ऊपर डिलीट का बटन नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने जो है वो इसको रिमूव सिंपल कर देना, और रिमूव करने के बाद जी आपने अपनी टॉप 10 जो है वो काउंट कर लेनी है, ठीक है। सॉरी ये तो हम आ गए, ये जो है वो आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है, इसका काम अभी नहीं है, पहले जो है वो हम अपनी टॉप 10 जो है वो चूज़ कर लेते हैं। 3 से लेकर 14 जो है वो हमारी टॉप 10 के अंदर ही आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, तो ये हमारी जो थी टॉप 10 की प्रोडक्ट में से हमने एक जो है अपनी एज अ कम्पिटिटर चूज़ करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कम्पिटिटर कैसे चूज़ करना है, BSR आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सबसे कम जो BSR है वो है जी टॉप वाली पे 38, उसके बाद 78, फिर 73 एंड देन 155 और 147, हमने जो है वो सबसे कम वाला लेना है। तो इस टाइम हमारे पास सबसे कम BSR वाला जो है वो सबसे पहला या JBL क्वांटम 100 वाइड ओवर ईयर हेडसेट्स, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने ले लेना है सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे जो आपको नज़र आ रही है ना बाहर, ये BSR को बिल्कुल इसके साइड पर ला के और आपने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन आपने इसको सेकंड टास्क में प्लेस कराना है 3rd नंबर पे, ठीक है जी। तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा और राइट साइड पर, ठीक है, और इसका बाय बॉक्स देख लें, इसका बाय बॉक्स जो है वो अमेजोन के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है एट द टाइम। तो आपने क्या करना है जी, ऐसी प्रोडक्ट ही चूज़ करनी है जिसका बाय बॉक्स जो है वो या तो उसकी अपनी ब्रांड के पास हो या फिर उसका अमेजोन के पास ना हो या किसी के पास ना हो। तो एट दैट टाइम हमारा जो बाय बॉक्स है जो हमने प्रोडक्ट चूज़ की है उसका बाय बॉक्स जो है वो किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये जो बंदा है वो किसी और की लिस्टिंग के ऊपर अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है, इसका मतलब ये भी होता है, ये भी आपने साथ याद रखना है। तो हम जो पहली अपनी प्रोडक्ट है वो चूज़ कर लेते हैं,
उसके बाद ही उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि आपने जो एक टॉप 10 में से एक जो प्रोडक्ट थी ना, उसका आपने अब स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना, वो आपने किस तरह से करना है। अब हम चले जाते हैं जी दोबारा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है सबसे पहले जिसका BSR सबसे कम था, उसको आपने राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है वो ओपन होके आ जाएगी। ये हमारे पास ये आ गई, ठीक है, JBL क्वांटम 100 वाइड ओवर ईयर गेमिंग हेडफोन्स ब्लैक रेंज। इसका आपने लेना स्क्रीनशॉट और इसको अपने सेकेंड टास्क के अंदर फोर्थ नंबर पे जो है वो पेस्ट करा देना, ठीक है। इस तरह से आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, सेकेंड टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 4 मार्क्स का टास्क है और आपका जो टास्क है वो इसी तरह कंप्लीट होएगा कि आपने इसके रिजल्ट में जितने भी स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड किए होंगे। तो हमारे जो थे वो और स्क्रीनशॉट्स आ गए। पहले आपने क्या करना है जी, आपने हीलियम 10 का एक्सरे फीचर यूज़ करना है, एंड देन आपने अपना जो प्रोडक्ट हंट किया था उसका आपने कीवर्ड जो है वो उसके ऊपर हीलियम 10 की एक्सरे रिपोर्ट जो है वो रन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने टॉप 10 में से एक कंपिटिटर जो है वो चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी एक्सरे की वो आपने वहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है, और उसमें से शॉर्ट लिस्ट करना है एक एज योर कंपिटिटर, ठीक है। तो ये हमने जो है वो कर लिया। उसके बाद जी पहले हमने दे दिया हीलियम 10 का, उसके बाद हमने जो थी हमारा जो रिज़ल्ट आया था एक्सरे का वो हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद जी हमारा थर्ड नंबर पे आ जाता है जब हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को जो है वो उसको डिलीट कर दिया, तो हमारे सामने जो है वो इस तरह से रिज़ल्ट आया, और इसमें से टॉप 10 हमारे सामने है, और टॉप 10 में से हमने जो है वो एक चूज़ करनी है, वो वाली चूज़ करनी है आपने जिसका BSR सबसे कम हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उन्होंने पूछा हुआ है सेकंड टास्क का सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ BSR रेंज एंड व्हाई इट माइट इंडिकेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब आपको पता है कि BSR क्या होता है, 10,000 दफ़ा वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक जितना आपके पास कम होगा उतना आपका कंपटीशन जो है वो मार्केट के अंदर कम होगा, और उतना आपके पास चांसेस होंगी कि आपकी प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो इन ज़्यादा होएं और आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जाए, ठीक है। इसलिए हम BSR देख रहे हैं। अगर BSR जो है वो ज़्यादा होएगा तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होएगा, आपकी जगह पे और 1,000 बंदे जो हैं वो क्रिएट करके बैठेंगे, तो आपको इसमें जो है जब आप अपनी प्रोडक्ट जो है उसका प्रॉफिट क्राइटेरिया देख रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको वो वाला BSR चूज़ करना होता है जो सबसे कम हो। यहाँ पे हमारे सामने जो सबसे कम BSR था टॉप 10 में से जिसका सबसे कम था वो आपके सामने इस टाइम नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसका जो टाइटल है ना इसको सिंपली आपने कॉपी करना है और इसको पेस्ट करा देना अपने थर्ड टास्क के अंदर, ठीक है। JBL क्वांटम 100 वाइड ओवर ईयर गेमिंग हेडफोन्स ब्लैक लार्ज, इसको आपने करा देना थर्ड टास्क के अंदर प्लेस इस तरह से, और उसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है, दिस चॉइस इज जस्टिफाइड ड्यू टू सेवरल रीजंस, ठीक है। ठीक है, और ये जो आपका टाइटल था इसको आप कर दें थोड़ा सा इनलार्ज और हाईलाइट कर दें। उसके बाद ये आपने जस्टिफिकेशन के तौर पे इसको देनी है जी, 4 दे दें या 5 दे दें या 2 दे दें, आपकी मर्जी है, रीजंस देनी है, ठीक है, ऑथेंटिक रीजंस देनी है कि ये बता सके कि आपकी पोटेंशियल कितना है इसमें, इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट रेट कितना है, ठीक है। पहला हमारे पास आ जाता है जी कंसिस्टेंट सेल्स परफॉर्मेंस, इट मेंटेन्स, आगे आपने ये लाइन लिखना है, इट मेंटेन्स अ रिलेटिवली स्टेबल एंड लो BSR रेंज ओवर टाइम इंडिकेटिंग कंसिस्टेंट सेल्स विद इन इट्स नीच, ठीक है। इसकी सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट है, इसके अंदर क्राइटेरिया जो है वो कम है। क्राइटेरिया कम हमें किस तरह से पता चला, जब हमने लो BSR इसका BSR देखा, ठीक है। और अगर BSR लो है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कंपटीशन जो है वो कम है। उसके बाद सेकंड आ जाता है लिमिटेड कंपटीशन, द मार्केट प्लेस फॉर दिस प्रोडक्ट शोज लोअर सैचुरेशन विद फ्यूर कंपटीटर्स ऑफरिंग सिमिलर आइटम्स प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मार्केट शेयर, ठीक है। जहाँ पे नज़र आ रहा है ना ऑफ दिस प्रोडक्ट, या जहाँ भी प्रोडक्ट का नाम आ रहा है वहाँ पे आप जो हमने टाइटल कॉपी किया था ना वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड है पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक, यानी कि इसका फीडबैक जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए भी हमने ये प्रोडक्ट जो है वो चूज़ की है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी प्रॉफिट में जाएगी।
ठीक है, हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा इस प्रोडक्ट को सेल करने से अमेजोन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो रीज़न आती है वो है जी ट्रेंड एनालिसिस। इसकी ट्रेंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेंड एनालिसिस इंडिकेटर है ग्रोइंग डिमांड फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स और स्टेबल मार्केट ट्रेंड डेट कुड सपोर्ट सस्टेन। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता या नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल्स पे जो है वो गेमिंग के मैचेस भी होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी हेल्पफुल होती है। पाकिस्तान में इस तरह के अभी तक कोई मैचेस नहीं हुए गेमिंग से रिलेटेड, लेकिन दूसरे जो भी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं या दूसरी कंट्रीज़ हैं, अलॉट ऑफ मैचेस हेल्ड इन चाइना एंड कोरिया, ठीक है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इन है, ठीक है। आप गेमिंग लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको करना है सेव, और सेव करने के बाद आपने आ जाना है अपने एलएमएस के ऊपर। एलएमएस के ऊपर आपने जाना है जी सिंपल सबमिट के ऊपर, और सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने अपनी फाइल चूज़ करें। फाइल चूज़ करने के बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ग्रीन पर शोज यू डैट योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड एंड मेक श्योर कि हमारा जो गूगल का साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है वो भी स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर भी क्राइटेरिया डिफरेंट है कि आपने किस तरह से वो सर्टिफिकेट लेना है, उसकी किस तरह से उसका कंप्लीशन रेट है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और मुझे तो हमें याद रखें और फलस्तीन को याद रखें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम दुआ ही कर सकते हैं, तो कम से कम हम वही कर लें। और अल्लाह हाफिज़।